What's up guys, this is Sherif from Reaction TV 121. आज हम लोग जिस गाने को deconstruct करने वाले हैं उसका नाम है Desire और artist है none other than AP Dhillon. Music मुझे बहुत personally पसंद आया और मुझे क्यों ज्यादा पसंद आया? Because इस बारी मैंने कोशिश की कि मैं खुद ही गा दूं, क्योंकि हमें एक अंदर से कीड़ा था तो हमने सोचा क्यों ना भैया, क्यों ना गाए, माइक है, स्पीकर है तो सब कुछ है, क्यों ना करें. अगर आप लोग इस गाने के सैंपल्स चाहते हैं तो इस वीडियो के दौरान मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जो सही आंसर देगा और कुछ पॉइंट्स को जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए उनको फॉलो करेगा तो उसी के होंगे ये सभी सैंपल्स बिल्कुल फ्री. एंड आई होप आप सबने बीट बैटल 2.0 के लिए सबमिशंस दे दिए हैं या उसके लिए बीट बनाना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज़ $200 का प्राइस है भाइयों. अभी इतनी देरी मत करो, फटाफट नीचे से सैंपल डाउनलोड करो और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो. विदाउट एनी फर्दर बकवास आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं गाना कैसे बना. तो आइए इस गाने को स्टार्ट करते हैं रिदम सेक्शन के साथ, जिसमें सबसे पहले ऐड करते हैं किक, इसके बाद ऐड करते हैं इसमें स्नेयर और हाई हैट्स. उसके बाद ऐड करते हैं ओपन हैट्स और क्रैश. और अब आती है हमारी सब बेस या 808, आप इसको जो मर्जी कह सकते हैं बट ये साउंड सब बेस की तरह ही करेगा. और अगर आपने हेडफोन्स पहने तभी सुनेगा वरना नहीं सुनेगा भैया. अगर आपको ये पैटर्न देखना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ. तो ये इसका पैटर्न है जिसको मैंने ऑडियो में कन्वर्ट करके रखा है, बहुत सिंपल है. और यही पैटर्न आगे जाके थोड़ा सा अलग होता है बस. मेलोडी सेक्शन में इस गाने के अंदर बहुत ही कम इंस्ट्रूमेंट्स हैं. गाने के स्टार्टिंग में आते हैं एक टॉय पियानो जैसी साउंड जो कि मैंने बनाई है, एक बारी सुन लीजिए. ये मैंने यूज करा है कीस्केप जो कि एक बहुत अच्छा प्लगइन है स्पेक्ट्रोसोनिक्स के थ्रू, जिसकी मैंने ये प्रीसेट यूज करा है. और नीचे वाले में भी आई गेस मैंने यही यूज किया था लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी प्रोसेसिंग अलग थी. हाँ बस ये अलग है लेकिन इसमें सॉफ्ट चर्च एक प्रीसेट है वो यूज किया है. तो ये बन जाती है एक हमारी इंट्रो साउंड. और आगे जाके जहाँ पे हमारा कोरस या कह लीजिए ड्रॉप टाइप जो भी आता है वहां पे एक हल्की सी कीज भी आती है. ये म्यूजिक के साथ और उसके बाद आते हैं इसके अंदर हार्प साउंड में. अब हार्प साउंड में एग्जैक्ट तो अगेन मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा कभी भी सेम एग्जैक्ट साउंड्स नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर आपको मिक्सिंग मास्टरिंग की थोड़ी नॉलेज है, आपको साउंड्स को मोल्ड करना आता है, उनको एक इन्वेलप देना आता है. इन्वेलप का मतलब सीधा सी कि भैया हमने चिट्ठी बनाई उसको इन्वेलप में फिक्स किया और पोस्ट कर दिया. अब इन्वेलप कोई भी हो सकता है, बड़ा छोटा फलाना. अगर आपको उसको मोल्ड करना आता है तो आप उसको अपने हिसाब से चीजों को सही कर सकते हैं. ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड, अगर आप लोग म्यूजिक प्रोडक्शन या मिक्सिंग मास्टरिंग की कोई भी सर्विसेज चाहते हैं तो हम लोग वो बिल्कुल देते हैं. आप मुझे डायरेक्ट या रिएक्शन टीवी पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और पूछ सकते हो. तो हार्प के अंदर मैंने हार्प साउंड के अंदर जो प्लक साउंड है बेसिकली उसके अंदर मैंने एक हार्प यूज की है. ये पैटर्न है उसका. अब मुझे इसमें ऐसा लग रहा था कि एक ना वो शार्प जो चीज है ना वो कहीं पे लैक कर रही है, तो मैंने ये लॉजिक का ही एक साउंड यूज करी है जिसका नाम है पर्शियन संतूर. और इसके साथ इसके बाद आते हैं हम हमारी वोकल्स के ऊपर. अब वोकल्स के अंदर मैं ऑफकोर्स एपी ढिल्लों की वोकल्स तो यूज कर ही सकता था, लेकिन हमारे अंदर का कीड़ा जाग पड़ा जैसे मैंने वीडियो में बताया और मैंने अपनी वोकल्स का इस्तेमाल किया है. वोकल एक बारी मैं बिना प्रोसेसिंग के सुना देता हूँ. जान दे क्यों अखा ने पर ने क्यों गल चोला फिर दिए जो हथी गानिया पाइया ने. इतना भी बुरा नहीं गाया तुम्हारे भाई ने. बाकी तुम लोग बिल्कुल भाई कॉमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आवाज, कैसी नहीं, मजा आया नहीं, आगे मुझे गाना चाहिए नहीं गाना चाहिए. वैसे तो मैं गाऊंगा ऐसे तो ढीटू, पर प्लीज यार कमेंट से करके जरूर बताना. और प्रोसेसिंग के बाद मेरी साउंड हो जाती है छड़ गुस्सा हुन जान दे क्यों अखाने पर आईया ने क्यों गल चोला नु फिर दिए जो इसके अंदर मैंने कुछ हारमोनीज दी है. आप भी ऐसी हारमोनीज का इस्तेमाल कर सकते हैं. आपने बहुत गानों में सुना भी होगा कि एफएक्स के तौर पे इनको यूज किया गया है यहाँ पे, जैसे
लाल तेरे रंग नाल दाए दसना ता हजे भी दस दे। तो ऐसी हारमोनी बनाने के लिए कुछ नहीं है, मैंने ट्यूनर लगाया जिसको फुल ट्यून कर दिया कि भैया हमें नहीं चाहिए कोई मतलब नहीं, हम भोजपुरी गाना बजाएंगे। उसके बाद मैंने इस पे एक ईक्यू लगाया जिसमें लोज भी काट दिया, हाइज भी काट दिया, उसको एक फोन वाली टोन देने के लिए। उसके बाद मैंने इस पे लगाया एक रिवर्ब, अच्छा खासा बड़ा रिवर्ब, और फिर आता है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर एक्चुअली साइड चेन कर रहा है मेरी ओरिजिनल वोकल के साथ ताकि मेरी ओरिजिनल वोकल को तंग ना करें ये हारमोनीज। और उसके बाद आता है इसमें एक ऑटो पैन का प्लगइन, ये फ्री प्लगइन है मेल्डा प्रोडक्शन का, आप लोग ये पूरा बंडल डाउनलोड कर सकते हो, इसका कुछ काम नहीं है, इसका काम है सिर्फ अपने हिसाब से उसको पैनिंग करना। इधर से उधर आपको सुन रहा होगा जाते हुए, दैट्स इट। फिर मैंने इसमें ऐड करे वोकोडर्स। अब वोकोडर्स मेरा बहुत ज्यादा दिल था बिकॉज मुझे ये साउंड पसंद आती है। और इसी के साथ होता है हमारा ये गाना कंप्लीट। अब आता है वो सवाल जहां पे ये सभी सैंपल्स आपको मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री। तो सवाल ये है कि भैया 1, 2 और 1 को अगर प्लस करते हैं तो क्या नंबर आता है? फटाफट इस गहरा मुश्किल मैथमेटिकल सवाल का आंसर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में पॉइंट्स हैं, 3-4 पॉइंट्स हैं, आपको वो पूरे पॉइंट्स फॉलो करने हैं, हमें एक स्क्रीनशॉट भेजने हैं और ये सभी सैंपल ले जाइए बिल्कुल मुफ्त विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आइए सुनते हैं पूरा गाना एक साथ, मेरी आवाज में कैसा साउंड करता है। छड़ गुस्सा हुन जान दे क्यों अखा ने पर आईया ने, क्यों गल चोलान नु फिर दिए जो हथी गनिया पाईया ने। छड़ गुस्सा हुन जान दे क्यों अखा ने पर आईया ने, क्यों गल चोलान नु फिर दिए जो हथी गनिया पाईया ने। शाम दा रंग क्यों लाल तेरे रंग नाल दाए दसना ता हजे भी दस दे जे किसा किसे गुणे जाल दाए। सच जानी तेरे गल दी लाली मेरिया लालियां डाइया ने, क्यों गल चोलान नु फिर दिए जो हथी गनिया पाईया ने। छट गुस्सा हुन जान दे क्यों अखा ने पर आईया ने, क्यों गल चोलान नु फिर दिए जो हथी गनिया पाईया ने। छट गुस्सा हुन जान दे क्यों अखा ने पर आईया ने, क्यों गल चोलान नु फिर दिए जो हथी गनिया पाईया ने। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप हमारी कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते तो आज ही कर लो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज प्रेस द बेल आइकॉन 2, और हम लोगों को कर लो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम 2 कि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे ना। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।